And I hope wherever you go, you'll do the same thing, if not more. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे आप सब? आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी कि नहीं देखी? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज़ आप लोग का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी से ही हमारे यूट्यूब वीडियोस में मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी. मुझे 2 दिन हो गए कोहिमा आए हुए, और यहाँ बहुत ठंडी रहती है भाई, बहुत ज़्यादा. तो अगर आप लोग कोहिमा आ रहे हैं तो अपने फुल अरेंजमेंट के साथ आइएगा. दिन में यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप रहती है, हमारे कमरे में भी काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो दिन में अक्सर मैं यहीं पर होती हूँ. सो आशीष एक्चुअली ऑफिस गए थे 10:30, मैंने नहाना धोना हो गया है, और आशीष का अभी 5 मिनट पहले मुझे फ़ोन आया कि उनके ऑफिसर्स की एक पार्टी है, प्री क्रिसमस. ऑफिसर्स वैपकोस के जितने भी है वो सब पार्टी करने वाले हैं, बिकॉज अभी क्रिसमस का माहौल है, न्यू ईयर्स आने वाला है. सो मेरी भी ये पहली पार्टी रहेगी क्रिसमस की ऑफिशियल, जो मैं अटेंड करने वाली हूँ. सो लेट्स सी कैसा होता है. आशीष ने मुझे कुछ 15 मिनट दिए हैं टू गेट रेडी. थैंकफुली मैंने नहाना धोना मेरा हो गया था. सो बस मुझे रेडी होना है और जल्दी जल्दी निकलना है. आशीष मुझे आने वाला है पिक करने के लिए. सो मैं जल्दी से, सिर्फ 15 मिनट है टू गेट रेडी एंड लीव. चलिए मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ. सो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो पार्किंग एरिया से नीचे जाता था रास्ता, जहाँ पे था सीओ सर का घर, और व्यू कुछ इस टाइप का था, ब्लू माउंटेन्स, ब्लू स्काई एंड बहुत सारी प्लांटेशन. तो जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में ना आपको घर के फ्रंट यार्ड में और बैक यार्ड में ना बहुत सारी प्लांटेशन दिखेगी, काफ़ी सुंदर प्लांटेशन दिखेगी. और यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में एक छोटा सा मिनी सा गार्डन था, जहाँ पे आप शाम की चाय पी सकते हो अपनी फैमिली के साथ. और ये जो रास्ता जाता था एक छोटे से बहुत ही प्यारा सा एक हट काइंड ऑफ था, वहाँ पे आप लोग पिक्चर्स ले रहे थे. और ये जो था यार यहाँ पे ना एक्चुअली पीछे की साइड में ना छोटा सा ग्रीन हाउस या किचन गार्डन कह लो, वो बनाया हुआ था उन्होंने, और वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी. तो ये जो रास्ता जाता था यहाँ पे कर रखा था म्यूज़िक का अरेंजमेंट और सिटिंग अरेंजमेंट. सो इसी एरिया में ना जब फंक्शन स्टार्ट हुआ था तो इसी एरिया में स्पीचेस हुई थी, और कुछ स्टूडेंट्स थे यहाँ पे कॉलेज के जो इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उन लोगों ने कुछ सॉन्ग्स वगैरह रिप्रेजेंट किए थे, तो वो भी यहाँ पे हुई थी. तो इसी एरिया में सारा मेन इवेंट हुआ था, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट थी और सब लोग आराम से बैठ के इवेंट को एंजॉय कर रहे थे. और ये जो रास्ता जा रहा था ये था सीओ सर का घर, तो वो एरिया तो मैंने कैमरे पे नहीं लिया, बट ये जो एरिया था यहाँ पे था फूड अरेंजमेंट, तो फूड भी उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था. सो ये जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स थे, इनके इंटर्नशिप एंड होने वाली थी एंड ऑफ दिसंबर में, और क्रिसमस भी था, तो बहुत अच्छे टाइम पे ये क्रिसमस पार्टी अरेंज हुई थी. और ये जो स्टूडेंट्स थे ये अपने साइड से फ्रूट सैलेड लेकर आए थे, जो कि बहुत टेस्टी थी, बहुत प्यार से बच्चे लोग अपने साइड से बना के लेकर आए थे. सो यहाँ पे ना खाने का अरेंजमेंट था जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन था. और ये ना बैकयार्ड था जिसके बारे में मैं आप लोगों से बोल रही थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, कि ये ना एक्चुअली एक ग्रीन हाउस है, और इसमें ना यहाँ पे इसके पास ही इन्होंने मतलब सब्जियाँ वगैरह उगा रखी थी, तो खुद ही उगाओ और खुद ही खा जाओ. तो ये सिस्टम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना होगा, कोई मार्केट जाने का टेंशन नहीं. तो यहाँ पे कैमरे में तो इतना क्लैरिटी से आ नहीं रहा था, बट यहाँ पे कैबेज था और बहुत सारी चीज़ें थी. I, on behalf of my other colleagues of Kohima Smart City, would like to convey our sincere gratitude and heartfelt thanks to our CEO for allowing us this rose garden. In fact, the other day when I visited this place 15 years back. Come and see what God has. सो प्रेयर्स के बाद हम सब पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तो ये एक छोटी सी क्लिप मैंने वहाँ की ऐड की है, जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को फोर्स कर रही थी टू टेक माय वीडियो.
और एक चीज़ मैंने और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस की कि यार जब आप कहीं और किसी और कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पे आपको जाके समझ में आता है कि वो कितना ब्यूटीफुल कल्चर है। सो आई फील ब्लेस्ड हियर कि जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे टाइम पे कोहिमा को एक्सप्लोर किया और उनके कल्चर को जाना। सो यहाँ पे हम सब खाना खा रहे थे और इसमें जो डिशेज़ हैं वो प्योर नागा डिशेज़ हैं, और ये इवेंट एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहा बिकॉज़ मैं आशीष के कुलीग से, उनकी वाइफ से एक ही मोमेंट पे मैं सबसे मिल पाई। सो सबके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँचे गेस्ट हाउस, और यहाँ पर मिला हमें छोटा सा प्यारा सा एक गिफ्ट फ्रॉम द नागा फैमिली। वेरी स्वीट जेस्चर एक्चुअली, हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट जब हमने बॉक्स खोला तो हमें मिला एक प्यारा सा छोटा सा क्रिसमस केक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका ये जेस्चर, और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सो हम लोग केक इन्जॉय करते हैं और आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ, यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो, और लेट्स कीप सपोर्टिंग ईच अदर गाइस। बाय बाय।